जय हिंद स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपी पीसीएल आरओ एआरओ और असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का वीडियो मैं उन्हीं के लिए स्पेशली डिजाइन कर रहा हूं, बिकॉज आपके वीडियो में आप देख पाएंगे कि अगर आप इस जैसी वैकेंसीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके जो कंप्यूटर सेक्शन है वो आप कैसे घर बैठे प्रिपेयर कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को यूपी पीसीएल के इन दो एडवर्टीजमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। वैसे तो नॉर्मली सभी को पता है, फिर भी देख लीजिए कि यूपी पीसीएल ने एक एडवर्टीजमेंट 2021 के लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट और एक असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स का लॉन्च किया है। इसकी कुछ पोस्ट और डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप अगर इसी के डाउनलोड या व्यू बटन दबाएंगे तो आपको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए इसकी अलग अलग वैकेंसीज के बारे में कि ये जो कोड है ये 41 इसका पद कोड है यानी पोस्ट कोड है, और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट में अलग अलग वैकेंसीज जो कि अप्रोक्सीमेट देखा जाए जो 250 के आसपास है, इसका अगर पूरा डिटेल निकाला जाए तो इसमें साफ साफ ये वैकेंसीज उनके लिए हैं जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कोई डीन यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने वाणिज्य यानी अकाउंटिंग में कोई स्नातक पास किया हो, आपकी एज 21 से 40 के बीच में होना चाहिए। खैर ये सारी इंफॉर्मेशन मैक्सिमली सभी को पता रहती है। जो इसमें मेन कोर पार्ट है वो ये कि इसके फर्स्ट हाफ में आप लोगों को एक लिखित परीक्षा देनी होती है जिसको हम सीबीटी भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है ये, और जिसमें क्वेश्चन आते हैं डोएक ओ लेवल। डोएक को ही आज की डेट में नैलिट बोला जाता है, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, नैलिट और डोएक एक ही चीज है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो तरीके से होता है। हाँ जी, ये दो तरीके से होता है, लेकिन आपको इसमें सॉफ्टवेयर वाला मांगा गया है। इसमें ओ लेवल के कंप्यूटर यानी ओ लेवल की डिग्री नहीं लेनी है, इसका कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न होगा जिसमें कि 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उस 50 में 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपको बता दें इसमें 25 क्वेश्चन पास होने के लिए जरूरी होते हैं। तो मैं जो आप लोगों को पार्ट बताने जा रहा हूं वो इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें साफ साफ मेंशन किया है कि फर्स्ट पार्ट में अगर 50% यानी 25 क्वेश्चन नहीं होंगे तो आपकी आगे की कॉपी नहीं चेक होगी। हम लोगों ने अभी हालिया इसमें सितंबर में होने वाली जो वैकेंसीज थी इनकी क्लासेस फिनिश की थी और ये बहुत ही बेहतरीन क्लासेस रही। इसमें 50 में से मोरओवर सभी बच्चों का जो फीडबैक रहा कि 38 से 40 क्वेश्चंस उनको मिल गए। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं वो सी प्रोग्रामिंग के आते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट में, और वही थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो फिलहाल आपको ये सारी प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे आप क्वालिफाई कर पाएंगे, मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सेम इसी तरीके से एक असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर यानी एआरओ और आरओ की भी वैकेंसीज आती हैं, इसके लिए भी वही अर्हता है। और साथ ही साथ अगर आप इसका भी डिक्लेरेशन चेक करें तो इसमें भी साफ साफ इन्होंने दे रखा है कि नेलिट के ओ लेवल के कंप्यूटर ग्राम का आप लोगों को 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि प्रत्येक एक नंबर का होगा और 0.25 नंबर्स की कटौती होगी। हां, लेकिन इसके लिए कम से कम 20 नंबर पास होने जरूरी होते हैं। एआरओ में आप लोगों के लिए 20 नंबर है जबकि असिस्टेंट अकाउंटेंट में 25 नंबर होती है, और अगर इसके नंबर तो वैसे नहीं जुड़े होते लेकिन क्वालिफाइंग करना कंपलसरी होता है। इन सभी का सिलेबस लगभग एक है, लेकिन अगर मैं एआरओ का और आरओ का पेपर दिखाऊं तो वो असिस्टेंट अकाउंटेंट के कंपेरेटिव थोड़ा आसान होता है। लगभग मेरे पास सारे वर्ष के मॉड्यूल्स और क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस हैं जो कि मैं आपको आपके नोट्स के साथ देने वाला हूं। ये भी इस बार का सितंबर का जो मार्च में पेपर हुआ था 2021 का वो टेस्ट का है, और आप देखेंगे इसमें भी क्वेश्चंस नेलिट ओ लेवल के बेसिस पे ही पूछे गए हैं और ये काफी यूं कहिए कि ठीक ठाक स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अगर आप एक बार नोट्स देख लेते हैं तो आपको इसे क्वालिफाई करना इजी हो जाता है। हमने इसका हर वो पार्ट, भले एमएस ऑफिस का हो, भले वो आप लोगों का सी प्रोग्रामिंग का हो, भले ही वो आप लोगों का इंटरनेट और आईसीटी का हो, वो सारा इसमें कवर किया है। अब बात आती है कि ये आप कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे एक बेहतर तरीके से। सबसे पहला काम आपको ये करना है, इसके एंट्रेंस के लिए आप हमारा एप्लीकेशन आईसीई एकेडमी बाय मिनेश प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसके सर्च में पहले नीचे स्टोर पे जाइएगा और स्टोर के अंदर सर्च पे टाइप करिए ऊपर यूपीपीसीएल। तो जैसे ही आप लोग यहां डालेंगे यूपीपीसीएल, आपको दोनों ही वैकेंसीज के कोर्सेज दिख जाएंगे, एक एआरओ के लिए भी और साथ ही साथ यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी। आप जैसे ही इसे टच करेंगे या ओपन करेंगे यहां पर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस मॉड्यूल मिलेगा। नीचे देखिए इसकी फीस दिखाई दे रही है, लेकिन आप फीस
को बाय करने के पहले कूपन का इस्तेमाल करना ना भूलिए। यहाँ व्यू ऑल ऑप्शन दिया गया है, आप इसे क्लिक करिए और देखिए 40% का डिस्काउंट चल रहा है। ये कम ज्यादा होता रहता है, आप इसे अप्लाई कर दीजिए और जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे आप लोग पाएंगे कि देखिए इसकी 40% फीस कम हो गई। अब आप इसे बाय कर लीजिए। अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट में आप लोगों को यहां पर सारी की सारी क्लासेस के वीडियोस, पीडीएफ और लास्ट क्वेश्चंस का पूरा डिटेल है। वीडियोस को आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही वीडियोस को क्लिक करेंगे डे वन से आपको सारी वीडियोस मिलने शुरू होंगे। इसमें जो हमने लाइव क्लासेस ली थी वो भी और प्लस जो पहले की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो भी, सारा कुछ इसमें मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। बीच बीच में बच्चों को लास्ट टाइम जब मैं कोर्सेस पढ़ा रहा था तो बच्चों ने मुझसे एक्स्ट्रा डिमांड की थी, जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए एमएस ऑफिस के क्लासेस ली तो बच्चों ने कहा कि हमें थोड़ा और डिटेल चाहिए। वैसे तो मैंने उसको क्लासेस के एंट्रेंस के अकॉर्डिंगली किया, तो इसीलिए मैंने बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी डाले हैं फॉर फर्दर एडवांस डिटेल्स के लिए। आप उनको देखते हैं तो आपको और एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही इस कोर्सेज का एक और बेनिफिट दिया है मैंने कि इस कोर्सेज में आप लोगों को पीडीएफ को डाउनलोड करने की परमिशन दे रखी है, तो आप इसे डाउनलोड करके हमेशा के लिए इनके नोट्स रख सकते हैं, ये आपके डाउनलोड हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अपने कंप्यूटर पे चलाने हैं तो वीडियोस को भी आप कंप्यूटर पे चला सकते हैं। उसको चलाने की प्रक्रिया आप लोगों के पहले ही वीडियो में दे दी गई है, तो आपके लिए डबल बेनिफिट है। आप पीडीएफ भी इसमें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियोज भी आप लोग इसमें देख सकते हैं और ऑफलाइन कर सकते हैं अपने ऐप में। लास्ट ईयर के पेपर्स भी हैं और साथ ही साथ अब इन पेपर्स को अपग्रेड किया जाएगा, नए पेपर्स भी इसमें जुड़ रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को इस कंटेंट में मिलेगी। बड़ा बेनिफिट कंटेंट है, बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। सेम इसी तरीके से यूपीपीसीएल एआरओ के लिए भी है। हां, इसकी जो यू कह सकते हैं वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगी, डिपेंड्स करता है एग्जाम कब तक है। अभी तक जो मैंने इसकी वैलिडिटी दी रखी है वो 31 दिसंबर तक की है। एक अंदाजा है कि इस डेट तक एग्जाम हो जाना चाहिए, पर आप बेखौफ रहिए, अगर एग्जाम्स बढ़ता है, अगर डेट बढ़ती है इसकी, तो मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी डेट्स आप लोगों के लिए एक्सटेंड करूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, मैंने नवंबर 20 में एग्जाम्स किया, ये मॉड्यूल लॉन्च किया था, और जो कि जाके सितंबर 21 में हुआ था, लेकिन बच्चों को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़े थे। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों का कहना है कि अब आपका सिलेबस R4 से R5 में शिफ्ट हो गया है। तो ये कोर्स तो R4 का बना हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन R5 का कोर्स भी अगर आ सकता है क्या? इसके लिए हमने यूपीपीसीएल से एक आरटीआई मांगी है, आरटीआई फाइल की है। बच्चे भी लगातार कांटेक्ट में हैं। जहां तक मेरे सोर्सेस से मुझे पता चला है कि अभी सिलेबस पुराना ही आएगा, लेकिन अगर आपको भी कहीं से खबर लगती है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोर्स नए वाले में आएगा, तो मैं ऑटोमेटिकली आपको R4 से R5 में नए मॉड्यूल्स के जितने भी लेक्चर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अपग्रेड कर दूंगा। उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। और अगर ये नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा तो आपको लाइव क्लासेस का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि R5 की लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आपको यूपीपीसीएल का जो है वो ओ लेवल के साथ R5 में मर्ज कर देंगे, तो आप लोगों के लिए डबल बेनिफिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके कोई भी अलग से चार्जेस आपको नहीं देने हैं। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है आपके कंप्यूटर वाले पोर्शन को क्वालिफाई करने के लिए। और आप सबके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ गुड बाय, जय हिंद।